सनातन संस्कृति में राखी का विशेष महत्व है, जिसके चलते मार्केट में विभिन्न प्रकार की रंगारंग राखी आ चुकी है। दर्शकों, राखी सिर्फ सजावटी सूत्र नहीं तो भाई बहन की अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए बाजार की गलियां राखी खरीदारों की चहल पहल से गूंज उठी है। ये नबद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनत्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। इस पवित्र श्लोक में जिस प्रकार से रक्षा सूत्र की महिमा विदित की गई है, उसी प्रकार से राखी सूत्र का अनन्य साधारण महत्व सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बोला जाता है कि महान दानवीर राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने पहली बार रक्षा सूत्र बांधा था, तब से इस विशेष त्योहार की शुरुआत हुई, जिसके चलते मार्केट में रंगारंग राखियां बिक्री के लिए आ चुकी है और बाजार की गलियां राखी खरीदारों की चहल पहल से गूंज उठी है। यहां गोती वाली राखी से लेकर चमकते स्टोन वाली राखियां, जिनकी कीमत 20 रुपए से 500 तक है, और डिजाइन में एक से बढ़कर एक राखी का संचय इस मार्केट में देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन के खूबसूरत त्योहार को अधिक ही खूबसूरत बनाती है ये सुंदर राखियां। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के प्रेम और आत्मीय बंधन को बांधे रखना वाला ये पर्व होता है, और आप देख पा रहे हो उसी पर्व के लिए जो है, रक्षाबंधन के लिए जो है, राखियों की दुकान जो है बाजार में सज चुके हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ कई तरह की रंग बिरंगी राखियां हमें दिखाई दे रही है, साथ ही साथ कई प्रकार के डिजाइन भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। छोटी राखी से लेकर बड़ी राखी तक यहाँ दिखाई दे रही है, साथ ही नगों वाली राखी हो, गोंडे वाली राखी हो, या फिर बच्चों के लिए जो राखियां रहती है वो भी राखियां हमें यहाँ बड़ी संख्या में देखने मिल रही है। बहुत ही प्यारी प्यारी राखियां आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। छोटे बच्चों के लिए डोरेमन हो, या फिर पोकेमैन की राखी हो, छोटा भीम की राखी हो, ऐसे कई कार्टून्स की राखियां भी यहाँ अच्छे से सजाई गई है। आप देख पा रहे हो कि बहुत ही अच्छी राखियां इस साल देखने मिल रही है। साथ ही साथ जो है, हम यहाँ लंबी राखी जो रहती है वो भाई के साथ जो है भाभी को बांधी जाती है, वो भी यहाँ दिखाई दे रही है। और कुछ जो दिन बचा है मतलब राखी को, और उसके लिए जो है बाजारों में, इस तरह से बाजार में जो है रंग बिरंगी राखियों की दुकान हमें दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।